उत्तराखंड में बारिश फिर एक बार आफत बनकर बरस रही है। खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्ग पर तो हालात और भी ज्यादा खराब है। चमोली में एक बार फिर से बद्रीनाथ मार्ग पर मूसलाधार बारिश होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता लामबगड़ में खचड़ा नाला बढ़ने से बंद हो गया है। नाला इतने उफान पर है कि अपने साथ पूरे सड़क मार्ग को बहा कर ले जा रहा है। बीते 3 दिनों में 3 बार यहाँ पर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर रास्ते को फिर से बनाया गया था, लेकिन फिर से बारिश होने के साथ ही मार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके चलते चारधाम यात्रियों के लिए बार बार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बीते 3 दिनों में बद्रीनाथ धाम का ये रास्ता मुश्किल से 10 घंटे भी नहीं खुल पाया है। लामबगड़ नाले में जलस्तर बढ़ने से सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया है और पानी का पूरा बहाव ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर बह रहा है, जिसके चलते यहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की तरफ से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। हालांकि यात्रियों की गाड़ियां रास्ते के दोनों ही तरफ फंसी हुई हैं और यात्रियों को आज सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है ताकि मार्ग खुलने पर इन्हें बद्रीनाथ और ऋषिकेश की तरफ भेजा जा सके। तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यात्रा मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और इसे ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रकृति के आगे सब बेबस है। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नैन सिलोड़े की रिपोर्ट।